मच्छर मारो मच्छर मारो, भर भर के मच्छर मारो, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो, जितने भी मच्छर हो इस बैडमिंटन से मारो मच्छर मारो। ये दोस्तों आप देख रहे हैं बी4 वीडियोस, और आज की स्टोरी में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जो मच्छर मारने वाला बैडमिंटन रैकेट मॉस्किटो ट्रैप जो भी आप लोग इसे बोलते हो, इसके जालियों के बीच में कितने वोल्टेज का करंट होता है। तो जो भी हो इसमें जो करंट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज का होता है, तभी तो इसमें मच्छर के संपर्क में आने पर मच्छर दग ही जाता है। तो करंट को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये मल्टीमीटर। आप लोग चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस मल्टीमीटर को खरीद भी सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि इस नेट में कितने वोल्टेज का करंट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं निगेटिव वाले को ऊपर वाली जाली में और पॉजिटिव वाले को बीच वाली जाली में फंसा दूँगा। थोड़ा मुश्किल है इसे फंसाना, लेकिन फिर भी फंसाना तो पड़ेगा ही। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से फंसाया है। तो चलिए इसके बटन को ऑन करते हैं और देखते हैं कितने वोल्टेज का करंट है। 300, 1000, 1200, इसे चेक करना पड़ेगा, ये हिला जा रहा है बार बार, रुक जा। 1255, 1265, 1275, ओ माई गॉड। तो आप लोगों ने देखा नहीं? देखा कोई बात नहीं, मैं फिर से पास से दिखा देता हूँ। 1275, 1274, 1276, मतलब 1200 के ऊपर के वोल्टेज है इसमें। हमारे घर में जो बिजली आती है वो 240 वोल्ट के आसपास फ्लैक्चुएट करती है, इसमें जो करंट है वो 1200 वोल्ट के ऊपर का है। तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज करंट है, तो बहुत कमाल की चीज़ थी जो कि हम लोगों ने चेक कर लिया इस मल्टीमीटर की मदद से। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मच्छर मारने वाले नेट में कितना हाई वोल्टेज करंट होता है। तो चाहिए हमें नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, हमें इसे सावधानी से ही यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मच्छर मारने वाले नेट में कितने वोल्टेज का करंट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको मेरे चैनल में ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तब तक बचे कुछ भी मच्छर मारो, मच्छर मारो, मच्छर मारो, बचे कुछ भी मच्छर मारो।